ओ झारखंड के गोरी कर ले बहुत ना चोरी, सुन मोर पाछ ना आवे। हेलो मेरे झारखंड के शेरशेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के बारे में, और झारखंड में हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के देख लीजिए। एक है कि झारखंड का सामान्य परिचय, उसमें पूरा झारखंड के बारे में डिटेल हमने बताया है, और दूसरा जो वीडियो है उसमें झारखंड के पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम मैप के माध्यम से आपके दिमागों में बैठाने का काम किया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको बताया है, रसगुल्ला मेथड से उसको बताया है। तो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि झारखंड में पांच प्रमंडल है, और पांचों प्रमंडल में कितने ज़िले शामिल हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा ज़िला किस राज्य के बॉर्डर से सटा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब यहाँ से हम संपूर्ण जानकारी आज भी लेने वाले हैं प्रमंडल के बारे में और ज़िला के बारे में। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं झारखंड के साथ। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पांच प्रमंडल हैं, और पांचों प्रमंडल का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर यहाँ से आ जाएगा पलामू, फिर यहाँ हो जाएगा कोल्हान परगना, और फिर यहाँ से संथाल परगना। ये पांचों है, और पांचों के बारे में हम डिटेल जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये तीनों को मिला करके, ठीक है, पलामू प्रमंडल बनाया गया है, पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गढ़वा, पलामू और लातेहार, इसमें जिला की संख्या कितना है, तीन है। यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना जिला शामिल है, तो यहाँ पे तीन जिला शामिल है, और एक पूछा जाता है कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हम देखेंगे, मुख्यालय के बारे में भी बात करेंगे, तो मुख्यालय इसका है मेदिनी नगर, तो आप ये भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि गढ़वा, पलामू और लातेहार तीन जिला को मिला करके पलामू प्रमंडल बनाया गया है, जिसमें तीन जिला शामिल हो गया, और इसका मुख्यालय हमारा हो गया मेदिनी नगर। इतना ही क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। अब दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, ये तीनों को मिला करके कोल्हान परगना बनाया गया है, कोल्हान परगना। ठीक है, और इसमें क्या है, तीन जिला इसमें भी शामिल हो गया। अब इसका जो है, ये जो है इसका मुख्यालय, वो मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका देखेंगे, तो इसका मुख्यालय है चाईबासा। तो यहां से क्लियर हो गया हमारा कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला तीनों को मिला करके कोल्हान परगना में रखा गया है, और इसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। ठीक है, तो दो यहाँ से प्रमंडल हमारा क्लियर हो जाता है, पलामू और फिर कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, ये क्या है, देखिए लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा, इन सभी को मिला करके, पांच को मिला करके कौन कौन इसमें शामिल हो गए, देखिए यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं, ये तीनों को मिला करके, ये क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो यहाँ से देखेंगे लातेहार, ये लोहरदगा होगा, लातेहार तो इसमें था। ठीक है, लोहरदगा, रांची, सबसे पहले देख लेते हैं रांची, फिर लोहरदगा, लोहरदगा हो गया, फिर गुमला, यहाँ से हो गया गुमला, और इसके बाद खुट्टी, और एक इसको शामिल किया गया है सिमडेगा को, सिमडेगा। ये सब कहाँ शामिल हैं, तो ये हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में शामिल है। तो इसमें कितना जिला हो गया, टोटल पांच जिला हो गया। अब बात करते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर यहाँ पे मैप आप देखेंगे तो ये क्लियर कट हो जाता है कि यहाँ से लेकर के ऐसे ये वाला भाग जो है ना, इसको रखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, और इसमें पाँच जिला शामिल है, और इसका मुख्यालय रांची को बनाया गया, तो मुख्यालय क्या हो जाएगा इसका, इसका मुख्यालय हो जाएगा रांची। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है, तीन प्रमंडल हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर में पाँच है, कोल्हान में तीन है, और यहाँ पे पलामू में भी तीन है। अब बात करते हैं आगे, देखिए यहाँ पे सबसे जो पूरब में है, इसमें छः
जिला को मिला करके बनाया गया। देखिए कहाँ से, यहाँ से आप इधर ढक दीजिए, है ना, ये देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, ये छः जिला को मिला करके हमारा बनाया गया संथाल परगना। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, संथाल परगना आ गया। अब इसमें कौन कौन सा है, देखिए देवघर तो आएगा, देवघर आ गया, फिर कौन सा आएगा, जामताड़ा है, और फिर यहाँ से दुमका है, और गोड्डा है, फिर उसमें साहेबगंज आ जाएगा, साहेबगंज, फिर पाकुड़, और ये सभी को शामिल करके हमारा क्या बन जाता है, छः को शामिल करके संथाल परगना बन जाता है। तो इसमें जिला की संख्या कितना हो गया, छः जिला हो गया। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका को इसका मुख्यालय बनाया गया है, मुख्यालय क्या हो गया इसका, दुमका हो गया। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है। तो इतना प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब बात रह गया तो चार हमारा परमंडल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब एक देखेंगे बीच में छूट गया, देखिए यहाँ तक का भाग कवर हो गया, ये तीन इसमें आ गया, और फिर रांची तक का ये भाग आ गया इसमें, और फिर तीन इसमें आ गया। अब यहाँ का भी साइड वाला पार्ट इधर से क्या हो गया, साइड हो गया। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट बचता है, देखिए चतरा से लेकर के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, बोकारो और धनबाद, ये सातों जो है एक में आता है। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, इसमें कितना आएगा, सात आएगा। कौन कौन आ रहा है, देखिए चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ठीक है, तो सात आ गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, सातों यहाँ पे आप अपने से ये लिख लेंगे, इसका मुख्यालय हजारीबाग है, मुख्यालय हजारीबाग। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब पांचों परमंडल यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। पहला क्या था, यहाँ से देखिए पलामू, जिसमें तीन जिला शामिल था, गढ़वा, पलामू और लातेहार, तीनों को मिलाकर के पलामू परमंडल बनाया गया है, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। ठीक है, अब दूसरा जो था हमारा, यहाँ से देख लिए कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, तीनों को मिला करके कोल्हान परगना बनाया है, जिसमें तीन जिला शामिल है। ठीक है, और इसका मुख्यालय चाईबासा हो गया। अब यहाँ से हम बात किए संथाल परगना, जिसमें पूर्व की सारे जिला को शामिल किया गया है, तो उसमें छः जिला को शामिल किया, कौन सा, इसमें देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, ये छः। वो यहाँ से मैप से आप आसानी से पकड़ सकते हैं, देखिए मैप यहाँ पे कट गया और ये हमारा क्या हो गया, संथाल परगना उधर बन गया। ठीक है, तो देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, छः को उधर शामिल कर दिया गया। अब बीच में हमारा ये बच जाता है चतरा से लेकर के धनबाद तक का ये पोर्शन, देखिए मैप में आसानी से आप समझेंगे, ये वाला पोर्शन जो बच जाता है ये हमारा क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर है। तो उत्तरी छोटा नागपुर है, इसका मुख्यालय क्या हो गया, हजारीबाग। इसमें जिला कितने शामिल हो गए, तो सात जिला हो गए, और सभी का नाम क्या है, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये सातों उत्तरी छोटा नागपुर में शामिल होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन से परगना है जिसमें सबसे ज़्यादा जिला शामिल है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें सात जिला शामिल हैं, तो सबसे ज़्यादा जिला से मिल करके बना हुआ उत्तरी छोटा नागपुर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे कम जिला किस परमंडल में है, तो पलामू में हम देखें कि तीन ही जिला है, और एक और यहाँ पे देखें कि कोल्हान परगना में भी तीन ही जिला है। ठीक है, तो इसका दोनों हो गया। अब यहाँ से हमारा परमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो जितना भी जिला है, 24 जिला, उसमें से कौन किस राज्य से बाउंड्री मिलाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा दाहिना साइड का ये हमारा पूरब होता है। ठीक है, पूरब होता है ये, और ये बायां साइड का हमारा पश्चिम होता है, ऊपर का हमारा उत्तर होता है, और नीचे का हमारा दक्षिण होता है, साउथ होता है ना। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो बाउंड्री बनाता है यहाँ पे, इधर हमारा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, और हमारा यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ये बाउंड्री इसका बनता है छत्तीसगढ़ का, पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़, और यहाँ से ये गढ़वा से बनाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसका उत्तर में यदि हम देखेंगे तो ये हमारा बिहार हो जाता है,
बिहार राज्य, जिससे झारखंड अलग हुआ है वो हमारा बिहार है। अब दक्षिण में हम देखते हैं तो उड़ीसा आता है, उड़ीसा। अब हम बात करते हैं किससे कितना जिला सटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम का, पश्चिम में देखेंगे पश्चिम का मतलब। अब हम बात करते हैं कि किसमें कितना जिला सटा हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल का, मतलब पूरब में। पूरब में कितना जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे है कि ये साहेबगंज भी है, ठीक है। यहाँ से बाउंड्री बनता है बिहार और यहाँ पे साहेबगंज, ये दोनों अलग होता है यहाँ से, और झारखंड, तीनों का बॉर्डर साहेबगंज में बनता है, ठीक है। तो साहेबगंज हमारा किस में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में, और फिर पाकुड़ भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे दुमका आ जाएगा, फिर जामताड़ा, और फिर धनबाद, और यहाँ से बोकारो और रामगढ़ का भी बॉर्डर सटता है, फिर रांची का, फिर सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। इतना सारा का पश्चिम बंगाल के साथ में बॉर्डर साझा करता है। कितना हो गया टोटल, 3, 6, 9 और 1, 10। 10 जिला हमारा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पूरब में छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे पहले गढ़वा है, फिर लातेहार, फिर गुमला, और फिर यहाँ से सिमडेगा। मतलब 4 जिला यहाँ पे छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। अब एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सिंगल दिख रहा है, एक ही जिला वो गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार में देखेंगे कि गढ़वा एक हो गया, फिर गुमला हो गया, फिर चतरा हो गया, और यहाँ से हजारीबाग, कोडरमा, फिर गिरिडीह और देवघर, यहाँ से दुमका भी करता है, और फिर गोड्डा, और यहाँ से लास्ट एक और बच जाता है साहेबगंज। तो इतना सारा क्या हो गया, ये बिहार से बॉर्डर सटता है इसका, इतने सारे जिला का। कितना जिला हो गया यहाँ से काउंट कर लेंगे तो 3 और 3, 6, 3, 9, 1, 10। टोटल 10 जिला हमारा बिहार के साथ साझा करता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम दक्षिण में बात करते हैं जो उड़ीसा है, उड़ीसा से कितना जिला झारखंड का साझा करता है। देखिए पहला तो हमारा पूर्वी सिंहभूम हो गया, और दूसरा सरायकेला हो गया, और तीसरा हमारा पश्चिमी सिंहभूम, और यहाँ से सिमडेगा। ये हमारा कितना है, 4 है। तो 4 जिला हमारा कितना हो गया, उड़ीसा के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस राज्य से कौन सा जिला हमारा झारखंड का बॉर्डर साझा करता है, तो यहाँ से हमको पता चल गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों, ऐसा भी कोई राज्य, ऐसा भी कोई जिला है जिसका बॉर्डर किसी भी राज्य से नहीं सटता है, तो वो कितना है। तो देखिए किसी भी राज्य से नहीं सटने वाला 2 ही जिला है, पहला तो लोहरदगा और दूसरा खूंटी, है ना। तो यहाँ पे किसी से नहीं, किसी भी राज्य से नहीं सट रहा है, किसी से नहीं, तो वो कौन कौन है, तो खूंटी, लोहरदगा है पहला, लोहरदगा, और दूसरा क्या है, खूंटी है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये अंदर ही रह गए हैं, ठीक है, अंदर ही है, किसी से, किसी भी राज्य से इसका बॉर्डर नहीं सट रहा। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में कि खूंटी का देखिए यहाँ पे यहीं तक आ रहा है ना, ये खूंटी है, अंदर ही है, और यहाँ पे लोहरदगा का भी देखिए अंदर ही है। बाकी जितना भी राज्य, जितना भी हमारा पे जिला है, सभी का बॉर्डर किसी न किसी राज्य से टच कर रहा है। तो यहाँ से हम देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि किसी से नहीं सट रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, लोहरदगा और खूंटी है। खूंटी आप जान रहे होंगे कि कोई फंसाने वाला चीज़ होता है, या फिर गाड़ने, जमीन वगैरह में गाड़ने का, तो ये खूंटी किसका बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, ठीक है, लोहा का खूंटी है, जो कहाँ रह गया, अंदर में रह गया, जमीन में गाड़ दिए तो अंदर चला गया ना वो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये खूंटी है, इसका तो आकार ही खूंटी के जैसा है, लेकिन ये खूंटी किसका है, लोहा का बना हुआ है। तो भाई साहब ये अंदर चला गया, ठीक है, इसीलिए से नहीं टच किया, ना बाहर निकला हुआ रहता है तो उसमें क्या हो, चोट भी लग जाता है। तो यहां से क्या हो गया, इस तरह से याद रखेंगे कि लोहा का खुट्टी था जो अंदर ही रह गया, तो अंदर में रह गया, ये लैंडलॉक इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां से खुट्टी हमारा और लोहरदगा दोनों हमारा क्या होगा, किसी भी राय से नहीं सीमा लगाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा जिला जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है, तो ऐसा भी बहुत सारा जिला है जो 2 राज्य से बना रहा है, कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहला तो साहेबगंज है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 राज्यों से, 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन है, सबसे पहला है साहेबगंज, साहेबगंज हो गया, ठीक है। साहेबगंज का देखिए बॉर्डर यहाँ से अलग होता है, ये हमारा पश्चिम बंगाल और ये बिहार, तो दोनों हो गया किससे किससे, किससे अलग हो रहा है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 2 राज्यों को टच करने वाला, एक पहला तो साहिबगंज हो गया, और दूसरा देखेंगे दुमका। देखिए इसका बॉर्डर बिहार से भी सट रहा है और इधर पश्चिम बंगाल से भी सट रहा है, तो दूसरा हमारा कौन हो गया, दुमका हो गया, और इसका भी बॉर्डर बिहार और पश्चिम बंगाल से सट रहा है, ठीक है। अब हम तीसरा बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पूर्वी सिंहभूम है ना, पूर्वी सिंहभूम
उड़ीसा से भी और पश्चिम बंगाल से भी। तो यहाँ तीसरा हम बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम। ये किसके साथ है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, सरायकेला भी है तो इसका भी उड़ीसा और फिर उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से है। तो चौथा हमारा क्या होगा? सरायकेला होगा। सरायकेला भी किसके साथ है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ। तो ये सारा कुछ आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ दिख गया। अब एक और है, देखिए सिमडेगा। सिमडेगा भी है जो उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ से साझा करता है। तो यहाँ पे एक और क्या लिखेंगे, पांचवा हमारा हो जाएगा, पांचवा जिला हो जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा और ये किससे किससे? तो यहाँ से हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद यदि देखेंगे तो कोई ऐसा ज़िला नहीं है जो दो से लगाता है। लेकिन अब यहाँ से हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो तीन से लगाता है, ऐसा भी है क्या? तो देखिए ऐसा भी एक ज़िला है, कौन सा है? तो गढ़वा। गढ़वा को देखेंगे, उत्तर प्रदेश से भी लगा रहा है, छत्तीसगढ़ से भी और बिहार से। तो तीन से लगाने वाला एक ही है, गढ़वा, ठीक है। ऐसा और कोई तीन राज्यों से सीमा लगाने वाला नहीं है, तो सिर्फ गढ़वा याद रखेंगे। यहाँ से हमारा ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जिस समय हमारा झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2020 को, उस समय हमारा झारखंड में कुल 18 जिला थे। लेकिन उसके बाद से हमारा जिला की संख्या अभी वर्तमान में 24 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि प्लस 6 जिला हुआ है, 6 जिला और निर्माण हुआ है। जिस समय से झारखंड गठन हुआ था उसके बाद से अभी तक 6 जिला का निर्माण हुआ है। तो उसको भी हम बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो जो चलिए तो हम बात करते हैं, 6 जिला का निर्माण हुआ है तो उसका क्या प्रोसेस था, कब निर्माण हुआ था और किस जिला से अलग होकर के वो अपना निर्माण किए थे। तो चलिए हम आगे बताते हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि 6 जिला का निर्माण जो झारखंड के गठन के बाद हुआ है उसके बारे में। तो 6 जिला में कौन कौन से थे? तब सबसे पहले देखिए लातेहार, उसके बाद हमारा आता है जामताड़ा, उसके बाद सिमडेगा और फिर सरायकेला खरसवा और उसके बाद हमारा रामगढ़ और खुट्टी। ये सभी जिला का निर्माण झारखंड के गठन के बाद हुआ है। तो एक एक करके हम जान लेते कि सबसे पहले 18 जिला था, उसके बाद हमारा 19वां जिला कौन सा बना। तो देखिए 19वां जिला हमारा लातेहार बना। तो लातेहार हमारा क्या हो गया? 19वां जिला हो गया। और इसका गठन कब हुआ? तो देखिए इसका गठन हुआ हमारा, लातेहार जिला का गठन हुआ हमारा 4 अप्रैल 2001 को। यहाँ से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि 2001 ईस्वी को 4 जिला बने हमारे, है ना, झारखंड में 4 नए जिला का गठन हुआ। तो यहाँ से देखिए पहला तो ये हमारा 4 अप्रैल 2001 को हुआ। किससे अलग हुआ था ये लातेहार? तो पलामू से अलग हुआ था। तो पलामू से कट करके बना है। तो पलामू से लातेहार अलग हो गया कब? 4 अप्रैल 2001 को, और ये 19वां जिला बन गया, ठीक है। अब 20वां कौन बनता है? तो ये जामताड़ा हमारा 20वां जिला बनता है, ठीक है। 20वां जिला कौन बना? जामताड़ा। अब किससे अलग हुआ ये, कब हुआ था? तो देखेंगे 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2001 को 2000 ईस्वी में अलग हुआ था बिहार से झारखंड। और ये हमारा जामताड़ा जो है दुमका से अलग हुआ था कब? 26 अप्रैल 2001 को 20वां जिला बन गया ये, ठीक है। और ये किससे अलग हुआ था? तो दुमका से अलग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से 20वां बन गया। अब बात करते हैं 21वां कौन सा है। तो देखिए ये सिमडेगा हमारा 21वां बना था, और ये कब बना था? तो ये हमारा बना था 30 अप्रैल 2001 को बना था। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये गुमला से अलग हुआ था। तो गुमला से बना था, ठीक है। गुमला से अलग होकर के सिमडेगा हमारा बना 21वां जिला 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक और कौन था जो 2001 में बना था। तो देखिए सरायकेला खरसवा जो है ये हमारा बना था 22वां जिला, ठीक है। और ये कब बना था? तो 30 अप्रैल 2001 को बना था। और किससे अलग हुआ था ये? तो पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ था। तो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर के हमारा सरायकेला खरसवा बन गया। तो एक अलग
तो ये भी जिला बन गया, तो ये 22वां जिला बन गया हमारा। तो यहाँ से हमने देखा कि 2001 में चार नए जिला का निर्माण होता है, जिसमें से हम एक करके यहाँ से हम जान लिए कि 19वां जो बना हमारा कौन सा, लातेहार बना, जो पलामू से अलग होकर के बना था 4 अप्रैल 2001 को, और 20वां जो बना वो हमारा दुमका से अलग होकर के जामताड़ा बना, और ये बना था हमारा 26 अप्रैल 2001 को। फिर उसके बाद 21वां जो बना वो हमारा सिमडेगा बना, जो गुमला से अलग होकर के बना, ये बना था 30 अप्रैल 2001 को। फिर 22वां जो बना वो 30 अप्रैल 2001 को बना, जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर के सरायकेला बना है। ठीक है, तो यहाँ से चार हमने देखा कि 2001 ईस्वी में बना। उसके बाद दो जिला और इसमें अलग होकर के बन गया, उसमें से कौन कौन है वो हम बताते हैं। देखिए, खुट्टी जो है ये हमारा 23वां बन गया, 23वां जिला हमारा खुट्टी बन गया। किससे अलग होकर के? रांची से अलग होकर के। और कब ये हुआ? तो ये 12 सितंबर 2007 को, ठीक है, 2007 को। तो 12 सितंबर 2007 को 23वां जिला हमारा बन गया खुट्टी। किससे अलग होकर के? रांची से अलग होकर के। तो यहाँ पे हम रांची से अलग होकर के बनाइए, ठीक है। तो यहाँ 23वां बन गया। अब हमको देखना है कि 24वां कौन सा बना। तो देखिए, 24वां हमारा रामगढ़ बनता है, ठीक है। रामगढ़ हमारा क्या है? 24वां बन गया, 24वां जिला बन गया, ठीक है। और ये हमारा किससे अलग होकर के बना? तो हजारीबाग से, हजारीबाग से अलग होकर के रामगढ़ बन जाता है। हजारीबाग से अलग होकर के रामगढ़ बन गया। कब बना था ये? तो 12 सितंबर 2007 को ही। मतलब कह सकते हैं कि 2007 में एक ही डेट को दो जिला बना था, रांची से अलग होकर के हमारा खुट्टी और फिर रामगढ़ जो है हजारीबाग से अलग होकर के 24वां बना 12 सितंबर 2007 को। दोनों एक ही दिन बना है, ठीक है। तो यहाँ से आसान हो जाता है, ये यहाँ से आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। देखिए, ये तो खुट्टी था। तो एक बार और हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि 19वां जो बना था हमारा 4 अप्रैल 2001 को। याद रखने का सबसे आसान तरीका देखिए, ये 4 अप्रैल, देखिए शॉर्ट में हम बता देते हैं, 2001 में हमारा कितना? 4 जिला बना था, ठीक है, 4 जिला बना था। तो उसमें क्या क्या था उसका डेट? 4 अप्रैल था, फिर 26 अप्रैल था, और फिर 30 अप्रैल था, और फिर 30 अप्रैल था। तो यहाँ से 4 अप्रैल को हमारा ये बना था लातेहार, फिर ये 26 अप्रैल को हमारा जामताड़ा बना था, और फिर 30 अप्रैल को हमारा बना था सिमडेगा, और फिर 30 अप्रैल को बना था सरायकेला। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? 2001 का ये चारों क्लियर हो गया, 4, 26, 30, 4, 26, 30, 30 क्लियर हो गया हमारा 2001। अब हम बात करते हैं 2007 में दो बना, ठीक है, दो ही बना, दो जिला, उसमें कौन कौन था? तो ये तो हमारा खुट्टी था और रामगढ़ था। तो उसका डेट क्या था? तो 12 सितंबर था, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को बना, ठीक है, दोनों को वही डेट है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये चीज़ भी याद रखना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो आप अब जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो हमको लगता है कि यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अब हमारा अगला जो वीडियो होगा वो हम लेकर के आएंगे कुछ और, या फिर ये हमारा जितना भी झारखंड का जिला है उस जिला के लिए स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि जैसे हमारा रांची है तो रांची के विशेष पर लेकर के आएंगे, और उसका जितना भी डिटेल है, जो भी उसमें डिटेल है, वो सारा कुछ हम लेकर के आने वाले हैं। तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी भेज दें, ताकि उसे भी जानकारी प्राप्त हो। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।